नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि कार्यक्रम में फरी एक बार स्वागत है आपनो। अतिथि लगे गेस्ट ऑफ द डे, गेस्ट ऑफ द डे कार्यक्रम में अमे मुलाकात करे छे आपने एक विशिष्ट व्यक्तित्व साथ, जेमनी साथे अंतरंग वातो करे। दर्शक मित्रों, घणा नाम एवा छे के जेने आपे वर्षो थी ते नाम सांभळ्या होय छे, परंतु ते नामनी सफळतानी पाछळ जे शिल्पी होय छे कदाच तेने मळवानो मोको पूरो पाड्यो छे मे कार्यक्रम अतिथिमां। दर्शक मित्रों, व्हाइट गुड्स नी वात आवे, व्हाइट गुड्स एटले के जे पण इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम छे, टीवी, फ्रीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमो बधी ज, अने तेनी अंदर एकमात्र जो नाम कदाच आज गुजरात ना लोकोना मोटे आवतो होय तो ते छे सेल्स इंडिया। सेल्स इंडिया के एवुं ग्रुप के बिल्कुल नानकड़ा एक नानकड़ी ऑफिस माथी, नानकड़ी एक शोरूम माथी स्टार्ट थयेलुं आज सेल्स इंडिया ग्रुप अत्यारे टॉप पर छे। कदाच गुजरात नी वात करीए तो गुजरात में नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम कही शकाय तेवा सेल्स इंडिया, ने तेनी साथे संकळायेला सेल्स इंडिया ग्रुपना चेरमेन जॉन जी वर्गीस आज आपणी साथे। जॉन जी, आपना स्वागत करे। मिस्टर जॉन, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि सेल्स इंडिया, बहुत सारे नाम हो सकते थे इसके, सेल्स इंडिया ही नाम क्यों चूज किया? कोई ऐसा कोई सेपरेट वो है नहीं, ऐसा ही थोड़ा थोड़ी है सिलेक्शन। नहीं, फिर भी जब नाम सिलेक्शन के टाइम बैठे होंगे तो बहुत सारे नाम आए होंगे, क्या 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 रीजन था कि सेल्स इंडिया नाम रखना? एक्चुअली जब सेल्स इंडिया शुरू किया था, ये अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शुरू नहीं किया था। एक्चुअली हमारे मारुति कार का डीलरशिप था, उसके लिए शुरू किया था। ओके। लेकिन मारुति कार वो उनका उत्पादन नहीं हुआ, संजय गांधी का जो प्रोजेक्ट था उत्पादन नहीं हुआ, उनका कारण फिर हमने वो छोड़ के ये छोटा बिजनेस शुरू किया, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन के साथ 1971 में शुरू किया। 1971 में आपने शुरू किया, सेल्स इंडिया की पहली शुरुआत थी। 1960 में आप अहमदाबाद आए थे, सबसे पहले आप आए थे अहमदाबाद में, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था आपने केरला के गांव में, और केरला के गांव में आपने 1960 के मैं आप जब अहमदाबाद पहली बार आए थे, क्या ड्रीम था केरला छोड़ के गुजरात आते वक्त, जब पहला दिन था वो, जब आप अहमदाबाद स्टेशन पे उतरे थे, व्हाट वाज द ड्रीम? ना, ऐसा कोई स्पेशल ड्रीम तो ये नहीं था। एक्चुअली तो मैं ऐसा ही आया था, काली गांव सब देखने के लिए आया था, बोले बॉम्बे आया था, बॉम्बे सब देखा, ऐसा अहमदाबाद में आया था। ऐसा कोई आइडिया नहीं था, इधर आके सेटल करने का कोई विचार तो नहीं था। एक्चुअली मैं एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ है, मेरे को इधर आने का ऐसा उधर सेटल करने का कोई पहले कोई प्लान तो ये नहीं था, ऐसा इट इज डेस्टिनी। ओके, आप आए थे, फिर क्या हुआ, क्या क्या ऐसा हादसा हुआ, क्या वाक्य हुआ कि यू थॉट कि नहीं, ओके, दिस इज द प्रॉपर प्लेस टू सेट इट? ऐसे ही मेरे ख्याल है, ऐसे ही इट जस्ट हैपेंड, ऐसा कुछ हमारा कुछ विचार में नहीं था। आई वॉज जस्ट बॉय, जस्ट लाइक प्लानिंग तो है नहीं था। ऐसे थोड़ा फ्रेंड सब इधर था, ऐसा मिल गया फलाना, फिर तो जॉब शुरू कर दिया। मिस्टर जॉन, आपने गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले सिलेक्ट किया था, ये फील्ड था, बहुत आराम की जॉब हो सकती थी आपकी, कोई टेंशन नहीं, खत्म होने के बाद पेंशन भी मिल सकता था, विदाउट टेंशन यू कैन गेट पेंशन ऑल्सो। क्या चार साल आपने कुछ गवर्नमेंट में जॉब किया? लेकिन ऐसा है, मैं ऐसा कोई सर्विस क्लास में नहीं था, मेरे बाप और मेरे बाप का बाप थे सब बिजनेस वाले थे, लेकिन बिजनेस इज माय ब्लड, ये तो ये सर्विस करने का कोई इरादा नहीं था, इट वॉज ओनली स्टॉक गैप अरेंजमेंट, इतना ही समझ लेने का। अच्छा, स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जो बीच में की चार साल। मेरा माइंड वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ डूइंग सम बिजनेस, दैट वाज इन माय माइंड। ओके, 1971 में यू स्टार्टेड सेल्स इंडिया, आपने बताया कि मारुति कार का आप शोरूम बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहीं प्रोजेक्ट था वो स्लिप हो चुका, नहीं हुआ। उसके बाद आपने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, कहाँ से शुरुआत की थी, कौन सा दिन था वो यू स्टार्टेड? इट वॉज इन अक्टूबर 1971 में हमने शुरू किया था, जस्ट स्टार्टेड विद कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर के साथ, सिंगल कंपनी के साथ वेंचर यू स्टार्टेड। और मेरे अच्छे अच्छे सर्कल लोग था, तो उनको समझा के ऐसा ऐसा, वो टाइम पर इतना सा बड़ा बिजनेस तो नहीं होता था, इवन रेफ्रिजरेटर वॉज
रॉयल प्रोडक्ट ही, नॉट अ कॉमन मैन प्रोडक्ट। मतलब घर में फ्रिज रखना वो भी एक, मतलब आजू बाजू दस दस घर देखेंगे कि इसके घर ऐसा, सब लोगों के पास होता नहीं है ना। विश्वास ऑल्सो वेरी इन शॉर्ट सप्लाई। हम लोग थोड़ा थोड़ा रेफ्रिजरेटर लेके आता था, 30 रेफ्रिजरेटर 40 रेफ्रिजरेटर मुंबई से दिल्ली से लाता था और थोड़ा सर्कल में बेचता था। वो टाइम पर इतना जरूरियात नहीं था, इट वॉज ए रॉयल प्रोडक्ट। तो लोगों को समझाना पड़ता था भाई ये रेफ्रिजरेटर तुम खरीदो, खरीदने से फायदा होगा तुम्हारा, घर में तुम ठंडा पानी पी सकता है, ये आइटम रख सकता है, ऐसा ऐसा कर सकता था जी। इट वॉज नॉट दैट, आज ये आज क्या इट्स एसेंशियल, इट इज अ नेसेसिटी, एवरीवन रिक्वायर इट। एट दैट टाइम वो फीलिंग नहीं था। तो बहुत दिक्कत होती होगी क्योंकि व्हाइट गुड्स का मतलब इतना चलन भी नहीं था, जस्ट लग्जूरियस प्रोडक्ट था वो। स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे जाए तो अक्टूबर 1971 में आपने शुरू किया, आपने बताया कि बहुत दिक्कतें होती थी, लोगों को समझाना पड़ता कि दिस प्रोडक्ट कैन रादर आपको हेल्पफुल हो सकता है, इसके फीचर्स इतने इतने बेनिफिट्स है, सामने कॉस्ट भी इतना था, तो कन्विंस करने में बहुत दिक्कत होती है। प्लस खरीदी उधर से मैन्युफैक्चरर से माल लाना भी बहुत मुश्किल था। पेमेंट करने के बाद 3 महीना 4 महीने के बाद हमको माल सप्लाई करता था, वो भी बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करे, बहुत कुछ डिमांड करे, पीछे पड़े तो माल आता था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता था। तो इन शॉर्ट सप्लाई नो। ओके, नाउ 71 अक्टूबर में आपने ये स्टार्ट किया बिजनेस, डे बाय डे ये बढ़ता ही गया, साथ साथ सोशल एक्टिविटीज भी मिस्टर जॉन बहुत करते, अपनी सोसाइटी के लिए, ये स्टेट के लिए भी बहुत सारा कुछ किया, अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपने शुरू किया था, एशिया चैरिटेबल जी, एशिया चैरिटेबल, उसके बारे में कुछ बताइए। बस एशिया चैरिटेबल ट्रस्ट ये पहले एक छोटे से स्कूल से शुरू किया था, फिर मैंने उनके अच्छा हमारा खुद का मेहनत से उनको बढ़ाते गया, फिर अभी हमारे पास 13 कॉलेजेस है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद ना, ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 9,000 स्टूडेंट्स आर देयर, 2 मेजर स्कूल्स रिप्यूटेड स्कूल्स आर देयर। एशिया चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया उसकी वजह से कि एजुकेशनल फील्ड में भी, एंटरटेनमेंट की भी बात करें तो आपने वो फील्ड में भी अपना वो YMCA क्लब तो वो कब से कब आया था थोड़ी कि YMCA क्लब भी हम शुरू करें। YMCA तो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर द क्लब व्हिच यू सी वो मैंने 1991 में लिया था, वो जगह बहुत मुश्किल से वो सब किया था वो टाइम पर। एक्चुअली YMCA का कुछ है नहीं था, एवरीथिंग वाज स्टार्टेड बाय मी। YMCA के बारे में बहुत कहा जाता था पहले कि इट्स एक्सक्लूसिव फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए है, बहुत सारे ऐसे गलत बात भी निकला था, वो क्या सच, क्या सच क्या है? इट इज नॉट ए क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इट इज नॉट मेन फॉर एनी क्रिश्चियन रिलीजियस, ये नहीं है, इट इज एक्चुअली मैनेज्ड बाय क्रिश्चियंस। ओके, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बनाया गया एक क्लब था। यस, कल्चरल एक्टिविटीज, यूथ डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब उनका मेन ऑब्जेक्ट था। ओके, मिस्टर जॉन का यही बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा। दर्शक मित्रों जो पते प्रमाण एक 1960 केरलाना एक ગામડામાંથી આવેલ ફક્ત ક્યુરિયોસિટી માટે અલગ અલગ સ્ટેટ મુંબઈની તેમણે વિઝિટ કરી અમદાવાદ આવ્યા, ત્યારબાદ ધીરે ધીરે 1971 ની અંદર શરૂઆતમાં 4 વર્ષ ગવર્મેન્ટ જોબ પણ કરી એક ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય તરીકે, પરંતુ બિઝનેસ ફેમિલીમાંથી આવવાના કારણે તેમનું ડ્રીમ એક જ હતું કે આવનારા દિવસોમાં મારે શરૂ કરવો છે બિઝનેસ, અને તેની શરૂઆત થઈ ઓક્ટોબર 1971માં વ્હાઇટ ગુડ્સની એક નાનકડા શોરૂમથી, નામ આપ્યું હતું સેલ્સ ઇન્ડિયા, પ્લાનિંગ હતો મારુતિનો, પરંતુ કદાચ ડાયવર્ટ થઈ ગયું, મારુતિ ગાડીનો ટર્ન બિલકુલ વ્હાઇટ ગુડ્સમાં આવી ગયો। ઘણી બધી વાતો કરી છે મિસ્ટર જોન સાથે, પરંતુ એક નાનકડા બ્રેક બાદ। દર્શક મિત્રો વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં, વાત કરી રહ્યા છે આપણે મિસ્ટર જ્હોન જી વર્ગીસ સાથે। મિસ્ટર જ્હોન, જો વાત કરી રહ્યા હતા પહેલે કે YMCA ક્લબ, એશિયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, એજ્યુકેશનલ યુથ કે લીએ જો કરના હૈ, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ કે લીએ ભી આપને કિયા, વ્હાઇટ ગુડ્સ મેં ભી એક નામ બના દિયા આપકા, ઇતના કરને કે બાવજૂદ ભી અભી મિસ્ટર જ્હોન કો ક્યા લગતા હૈ કે યે અભી ભી બાકી હૈ?
बाकी तो है, देयर इज नो एंड फॉर एनीथिंग, नो देयर इज, वी कैन ऑलवेज स्टिल स्टिल. व्हाट इज योर नेक्स्ट इमीडिएट ड्रीम और गोल? बिजनेस में तो वी हैव प्लान्स टू एक्सपांड. अभी हमारा अहमदाबाद में 7 बड़ा स्टोर्स है. नाउ वी हैव प्लान्स टू एक्सपांड इन 2-3 एरियाज वेयर अहमदाबाद इट इज नॉट देयर. 2-3 मोर स्टोर्स विल बी ओपनिंग इन अहमदाबाद. देन वी हैव आइडिया टू गो टू मेजर सिटीज इन गुजरात लाइक बड़ौदा, सूरत, राजकोट. ऐसा एक्सपांड करने का प्लान है बिजनेस में. मिस्टर जॉन, बिजनेस में आपने बोला कि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग कर देगी जिसमें ज्यादातर फोकस रहता है बिजनेस के ऊपर. वो डू यू फील कि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रहती है और खास करके आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है, क्या लगता है कि जिस तरह से पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस द बिजनेसमैन रिक्वायर्ड? विच टाइप ऑफ पॉलिसीज रादर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी? बिजनेस पॉलिसी मेरे ख्याल है गुजरात में कोई मेरा कोई डिफिकल्टीज तो दिखता नहीं है गुजरात गवर्नमेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल रादर द पॉलिसीज रादर द टैक्सेस. इट इज ऑलरेडी डे बाय डे इन एवरी बजट द टैक्सेस विल मोर इंक्रीज दिस एरिया दे इंक्लूड इन सर्विस. व्हेन यू टॉक अबाउट द कंट्री यू शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट द प्रोग्रेस. सो प्रोग्रेस करना है तो पैसा भी मांगता है, पैसा बढ़ाना है तो टैक्सेस बढ़ाना पड़ता है. दिस आर ऑल पार्ट ऑफ इट. आई डोंट थिंक देयर इज, इट इज नो डाउट द टैक्सेस आर टू हाई, बट देन वी आर गेटिंग द बेनिफिट अवॉर्ड ऑल्सो. नो आप देखो 15-20 वर्ष से हमारा इधर गांव में सब क्या था, क्या सुविधा था. आज तो लोगों को लिविंग इटसेल्फ हैज बिकम वेरी कंफर्टेबल ना. दैट इज बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज क्रिएटेड. वो सब क्रिएट करने के लिए पैसा भी गवर्नमेंट को करना है तो टैक्सेस भी लाने ही पड़ेगा. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. आई एम नॉट ओके ओके ओके. सो जब भी डेवलपमेंट होगा तो पब्लिक को लगेगा हमारा बहुत पैसा टैक्स में जाता है, लेकिन पब्लिक ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दैट. ट्रू ट्रू ट्रू. नाउ नाउ अगर बात करें मिस्टर जॉन की कस्टमर की मेंटालिटी की, 1971 में आपने शुरू किया था, फर्स्ट कस्टमर आएगा, बहुत दिक्कतें थी समझाने में, समझ ही नहीं पाते थे व्हाइट गुड्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है. एक्सक्लूसिव जो लग्जूरियस कस्टमर थे वो ही शायद समझ सकते थे. उस वक्त के कस्टमर की मेंटालिटी, बाइंग कैपेसिटी और आज की तारीख में 2008 अगर जून की बात करें, क्या क्या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे क्या क्या चेंजेस क्या क्या है कस्टमर में? देखो अभी का कस्टमर इज एन एंटायरली डिफरेंट कस्टमर. यू सी बिकॉज ही इज अ लर्नर पर्सन, ही नोज व्हाट इट इज. पहले टाइम पर उसको पता ही नहीं था फ्रिज क्या है, उनका उपयोग क्या, उसमें क्या है, सब आइडिया नहीं था. टुडे उनको पास सब कुछ, उनके पास इंफॉर्मेशन है. यू सी कॉम्पिटिशन इतना आके मीडिया का ये कवरेज से लोगों को सब बहुत अच्छे सिखावन आ गया है. यू विल अंडरस्टैंड. सो अभी का कस्टमर को यू कैन नॉट जस्ट फूल हियर एंड देयर लाइक दैट. ए कस्टमर इज अ वेरी लर्नर पर्सन, ही अंडरस्टैंड्स इट. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चीट और मिस मैनिपुलेट. यू कैन नॉट मैनिपुलेट, मिसगाइड अ कस्टमर टुडे. यू सी सो ही इज अ लर्नर पर्सन. सो दैट इज द डिफरेंस. Plus today's customer is looking on quality, price conscious. वो सब देखेंगे. पहले टाइम पर ऐसा कोई there was no choice. आज तो बहुत कुछ choice है. मिस्टर जॉन जो एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली, क्योंकि आप तो इतने साल से जुड़े हैं, व्हाट डू यू फील बहुत वक्त से, मतलब कितनी बार क्रिटिसाइज भी होती है कंपनीज डिफरेंट कि सही में जो चीज जो होती है उससे बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी एडवर्टाइजिंग में दिखाते हैं, व्हाट डू यू फील कि एडवर्टाइजिंग जो पर्टिकुलर मीडिया है खास करके जो हथकंडे लगाती है अलग अलग डिफरेंट कंपनीज, क्या कहीं पे भी दैट वाज़ द पार्ट ऑफ चीटिंग टू कस्टमर? डू यू फील दैट? नो, कोई अच्छे कंपनी है, अच्छे मैन्युफैक्चरर, दे विल नॉट ट्राई टू चीट द कस्टमर. मिसगाइड करे कितना चला सके. यू कैन नॉट वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म. नो सो आई डोंट थिंक गुड कंपनीज विल डू दैट. दे आर डेफिनेटली गिविंग ओनली द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे आर डिस्पेंस. And actually we are all now guided by
the principles of fair business practices. We are also a member of the council. So we cannot, especially we cannot give misguide any customer by a various matter. So you might be seeing all our deliverances are very straight. We will not misguide a customer. True. अमित जी, गुजरात के बारे में बहुत बहुत मतलब कहते हैं कि गुजरात इज अ प्रॉपर प्लेस टू डू द बिजनेस बिकॉज फ्रॉम द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडिया द पीपल आर कमिंग टू गुजरात जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस. द बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे है, बिजनेस को समझने वाले लोग हैं. व्हाट इज योर मतलब क्या कमेंट स्पेशल गुजरात, क्योंकि इतना साल आपने तो किया है बहुत सारा नाम, गुजरात के बारे में क्या कहना चाहिए? गुजरात के बारे में तो मेरे को तो एक्चुअली नाउ यू सी आफ्टर सो मेनी इयर्स आई कैन नॉट से दैट आई एम नॉट अ गुजराती. अभी मैं मेरा गांव जाएगा ना लोग समझेगा कोई गुजराती आया. ओके इतना हो गया. बट गुजरात में ऐसा इतना अच्छा है, एस्पेक्ट पीपल आर सो गुड नाइस लविंग पीपल आई टेल यू. झगड़ा कौन नहीं है, कोई गलत कोई झगड़ा नहीं करे. वेरी गुड पीपल, इट इज वेरी गुड डील टू डील विद देम. ऐसी तो वो फर्क है और इधर कोई झगड़ाबाजी नहीं होता है. वी आर वेरी हैप्पी विद द पीपल ऑफ. या मैं रोकूंगा, गुजरात के बारे में और बात करेंगे. दर्शक मित्रों, फरी एक बार समय था वो विराम नो मड़ी एक नाना का ब्रेक बाद. दर्शक मित्रों, विराम बाद फरी एक बार आपनो स्वागत छे कार्यक्रम अतिथि में. बात कर रहा है अपने जॉन जी वर्गीस साथे के जो सेल्स इंडिया ना चेयरमैन छे ने तेनी साथे साथे सोशल एक्टिविटीज नी अंदर पण चाहे छे एजुकेशन फील्ड होय के पछी बीजा कल्चरल फील्ड होय ने तेनी अंदर जे नाम छे जॉन जी वर्गीस साथे बात करे छे. प्रथम वक्त आई थिंक कदाच टीवी पर इंटरव्यू आवे क्योंकि शर्माळ प्रकृति ना. आप जो मिस्टर जॉन, आपसे करीबन जब भी आपके बारे में बात निकलते यू आर इतना खुल के आप नहीं आते. हाँ वो ठीक है कि आपके जब भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता तभी जाके आप स्टेज पे बहुत खुल के बोलते, लेकिन बहुत कम बोलते. क्या बचपन से ही आप ऐसे ये नेचर है या अभी धीरे 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 आपने कम कर दिया है बोलना कुछ? नहीं नहीं, जितना जरूरत है उतना बोल देता है. ऐसा कम बोलते है, जितना जरूरत है उतना हम बोल देता है. लेकिन फंक्शन में सब क्या होता है, व्हेन देयर आर मेनी स्पीकर्स इट इज बेटर टू गिव टाइम टू द अदर्स टू स्पीक. नो तो इसलिए इतना जरूरत है हम बोल देते हैं. ओके फाइन हम गुजरात. आई ऑलवेज टॉक ऑन द पॉइंट्स, अननेसरली कोई बातें करना भी मेरे को. इसलिए आप बिजनेस में पॉलिटिक्स में नहीं है? आई डोंट नो. ओके फाइन मिस्टर जॉन, बात करें अगर अगेन गुजरात की, तो क्या आपने बता रहे थे कि गुजरात इज अ प्रॉस्परस स्टेट, रादर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ऑलरेडी आप क्या क्या चाहते हैं कि अभी भी डेवलपमेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या कहाँ रादर और ऑल द ऐसे कौन से कॉर्नर इंप्रूवमेंट्स, द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स? खास करके आई वुड लाइक टू सी टूरिज्म का डेवलपमेंट गुजरात में होना चाहिए जाती. नो डाउट इंडस्ट्री बिजनेस ये सब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. लोग दूर दूर से आवे इधर. लोगों में आने से क्या फायदा होता है कि मनी विल ऑल्सो स्टार्ट कमिंग विद द पीपल. से फॉर एग्जाम्पल, इन 1972 व्हेन आई वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर अ विजिट, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी एवरी डे 80,000 पीपल लैंड्स इन कैनेडी एयरपोर्ट. सो इवन इफ अ पर्सन ब्रिंग $100 स्पेंडिंग ए डे, यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी वॉज कमिंग टू न्यूयॉर्क लाइक दैट. सो आई फील इवन इफ वी कैन अट्रैक्ट 5,000 पीपल ए डे टू गुजरात, द अमाउंट ऑफ मनी कमिंग एंड दे स्पेंड इन अवर स्टेट विल बी सो मच. ट्रू. सो देर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ डेवलपिंग टूरिज्म. मिस्टर जॉन, आपने बचपन से आपका ड्रीम था कि आपको बिजनेस में ही आना है, बिजनेस फैमिली में थे आप. अगर मिस्टर जॉन वर्गीस बिजनेस नहीं किया होता तो क्या होते मिस्टर जॉन जी वर्गीस? ये बिजनेस
बिजनेस नहीं किया हो तो आई वुड हैव गोन टू पॉलिटिक्स देयर इज नो इजी बिकॉज इन बचपन में भी मेरे कॉलेज टाइम पर आई वॉज स्टूडेंट लीडर तो थोड़ा कुछ पॉलिटिक्स में वो टाइम पर तो था तो मैं गांव में रह जाता था आई वुड हैव बीन डेफिनेटली इन पॉलिटिक्स एंड यू नो केरला कौन कौन आप क्या क्या अगर पॉलिटिक्स की बात नहीं करें तो टॉप थ्री फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन से आपके फेवरेट थ्री पॉलिटिशियंस ऑन व्हाट इज योर आपके सबके पसंदीदा एक पॉलिटिशियन होते हैं राजनेता होते हैं कौन से आपके तीन सबसे पसंदीदा इमटेरियल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बट ये पर्सनालिटी पसंद है पॉलिटिक्स में मैं भी हो सकता है कांग्रेस से हो एक बीजेपी से हो कम्युनिस्ट से हो मैं पॉलिटिकल कोई बात करना नहीं चाहता पॉलिटिकली मेरा मैं सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है दैट इज द वे ऑफ इट नाउ अभी मुझे कंफर्म पक्का हो गया कि आप अगर बिजनेस में नहीं होते तो पॉलिटिक्स में होते मिस्टर जॉन फ्री फैमिली के साथ आप वक्त बिताते आराम से आपका सेटल करके बिजनेस कैसे फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं मिस्टर जॉन एक्चुअली फ्री टाइम बहुत मिलता ही नहीं है हमारा बिजनेस ऐसा यू आर फाइंडिंग अ फ्री टाइम ना वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ फ्री टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जब फ्री टाइम होता है फ्रेंड्स के साथ कभी थोड़ा कुछ इधर घूमेगा सन आई लाइक टू विजिट रिलीजियस प्लेसेस मौड़ी जाएगा वैसे ऐसा तो कुछ मौड़ी जाते हैं अच्छा मौड़ी जाते हैं चलो मौड़ी जाते ओके अगर मिस्टर जॉन अगर मैं पूछूं आपको कि लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन था जो आपको लगे कि नहीं ये बहुत ही कठिन था वो वक्त था कठिन एक डिसीजन लेने का बहुत सारे डिसीजन आपने लिए होंगे लेकिन सबसे टफेस्ट डिसीजन कौन सा था आपकी लाइफ में एकदम कुछ स्पेशल कोई हार्ड डिसीजन ऐसा कोई नहीं सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी थी आपकी मिस्टर जॉन हैप्पीएस्ट मोमेंट माइट बी देयर आर ओकेशंस व्हेनेवर वी स्टार्टेड न्यू इंस्टीट्यूशंस वो सब तो लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट की नहीं है आई वॉज सो हैप्पी दैट डे ऐसा कोई तो एक अगर आंख बंद करें हैप्पीएस्ट मोमेंट याद करे तो यार ये तो बहुत खुश हुआ था उस दिन में कोई स्पेशल इंसिडेंट मेरे को नहीं लगता लेकिन आई हैव बीन हैप्पी ऑल द टाइम गॉड हैज गिवन मी ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई फील मिस्टर जॉन को गुस्सा कब आता है अब हंसते भी बहुत मतलब दिल खोल के हंसते हो लेकिन नॉर्मली मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है ओके लेकिन कभी कभी जब आता है तो कब आता है नहीं आता है भाई आता ही नहीं है पक्का मैं गुस्सा नहीं करता ओके सो माय हैबिट अगर नॉर्मली आई डोंट गेट दैट ओके ना सीक्रेट ऑफ सक्सेस अगर पूछो मिस्टर जॉन का कि ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है रदर अगर आपको सक्सेस ही लगता है तो फिर सीक्रेट किधर है इट्स ओपन सीक्रेट इट इज ओपन ऐसी कौन सी चीज है जो आप घर से बाहर निकलते हैं ये चीज तो रखते ही रखते हैं अपने पास कौन सी चीज कि वो तो ऐसा कोई एक ऐसा चीज जो कि मैं अगर कोई लकी ये चीज समझता तो मैं पेन लेके ही घूमता हूँ ऐसा कौन सा चीज जो घर से बाहर निकलते ये तो लेके निकलेंगे कुछ स्पेशल कुछ है नहीं जो होता है आई डोंट कीप एनी स्पेशल थिंग ओके नाउ मोस्ट लवेबल पर्सन इन योर लाइफ मोस्ट लवेबल मुझे मालूम है कि एक ही नाम देना है बहुत सारे लोग अगर नाराज होंगे लेकिन अगर एक नाम देना है लवेबल पर्सनैलिटी का लवेबल पर्सन within your family friends whatever
There are many, you see, so it I'm is asking not one no, only. It is not most lovable. They are all, there should be one only. All my friends are there. You can say three rather. Top three. There are many, you see, there is no name should be there, na? Name should be there. First one. मेरे बहुत अच्छे दोस्त था दिनेश वक्ता जो ये डाइट लास्ट ईयर मेरे बेबे ही है माई डॉटर इज मैरिड टू हिज सन ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड हमेशा हम लोग साथ में रहता था मेरा पड़ोसी था हाउ वाज द डे जब यू गॉट द न्यूज योर बेस्ट फ्रेंड इज नॉट इन द अर्थ But too bad. I felt so bad. You lose. Yes, I was. A special. I felt too. If Mr. Dinesh Vakta heard your voice, then what was the message? What is the message you can want to send to him at present? I love him too much. That's right. Fine, thank you. दर्शक मित्रों एक एवी शुरुआत के स्ट्रगल करीने जा रहा है जे एक व्यक्ति 1960 नी स्ट्रगल અમદાવાદમાં મૂકેલો પહેલો પગ 1971થી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો અને ડે બાય ડે અલગ અલગ ક્ષેત્રની અંદર પોતાનું નામ જ્યારે તેમણે કર્યું અને શરૂઆતથી ખૂબ જ આનંદિત દિવસોની સાથે પરંતુ અત્યારે કાર્યક્રમની અંતની અંદર ઓબ્વિયસલી કહેવું પડે કે એમના જે અંગત મિત્ર કહી શકાય તેવા એમને ગુમાવ્યા ત્યાંથી મારે એક અશ્રુભીની આંખ સાથે આ એક કાર્યક્રમ અહીંયા આ ઇન્ટરવ્યુ અહીંયા પૂરો કરવો પડશે દર્શક મિત્રો કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો તમને જરૂરથી લખીને મોકલાવજો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વીક એક નવા અતિથિ સાથે ત્યાં સુધી આપસો નમસ્કાર થેન્ક યુ વેરી મચ થેન્ક્સ Thank you.